तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हम लोग और एक कॉलेज के बारे में जानेंगे। सो जो कॉलेज बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है आसाम के अंदर में, गुवाहाटी में है, लॉगरेट। सो जो है कि बी बोरुआ कॉलेज। सो चलिए वीडियो शुरू कर दे, और वीडियो शुरू करने के पहले जो जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो चलिए वीडियो शुरू कर दे। सो आज हम लोग इस कॉलेज को मतलब कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि क्या क्या जानेंगे उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जानेंगे जैसे कि इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस जानेंगे, सो एप्लीकेशन प्रोसेस जानेंगे, कोर्सेज जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है वो जानेंगे, और थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में भी जान लेंगे। सो हॉस्टल है कि नहीं है वो भी जान लेंगे। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये बी बोरुआ कॉलेज गुवाहाटी में लोकेटेड है, आसाम में। सो और ये इस्टेब्लिश हुआ है 1943 में, जो कि एक बहुत ही पुराना कॉलेज है आसाम में, गुवाहाटी के अंदर में। और जो ये कॉलेज है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन आप ऑफलाइन कर सकते हैं। सो इस बार, पहले तो ऑफलाइन ही था, इस बार में भी उसको ऑनलाइन में भी कर दिया। और जो उसका है आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके ले सकते हैं फॉर्म उसके, और नहीं तो और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आप फिलअप करके डिमांड ड्राफ्ट कट के दे के सो उसको आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिए उसका। और अभी देखेंगे मतलब इसके अंदर में और क्या क्या प्रोसेस भी देख लेंगे। सो मतलब एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं वो भी देख लेंगे। सो एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह के है, जो यूजी कोर्सेस है सो वो लोग के लिए मतलब जो क्लास 12th के मार्क हो गए उस बेसिस में डायरेक्ट मतलब वो लोग अप्लाई करना पड़ता है आपको। सो उस बेसिस में वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं सो यूजी कोर्सेज के लिए जो जो अप्लाई करेंगे। और जो मास्टर कोर्सेज के लिए है, मास्टर कोर्सेज के लिए सब कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कुछ कुछ कोर्सेज के लिए जो आपका जो यूजी में मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस में भी लेते हैं। और जैसे कि मास्टर डिग्री में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो अगर आपको केमिस्ट्री में MSc करना है या तो BA सॉरी MA करना है जियोग्राफी में, सो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कॉलेज ही कंडक्ट करवाते हैं। और जो इस कॉलेज के जो मतलब इस बार के जो एग्ज़ाम डेट्स है, एग्ज़ाम डेट्स 12 अगस्त 2020 है जो एग्ज़ाम के डेट है, और जो इसके फॉर्म फिलअप है ये 2 के, सो वो 11 अगस्त 2020 लास्ट डेट है। सो कर लीजिए जल्दी। और जो बोटनी और जूलॉजी है अगर आपको MSc करना है सो वो मेरिट बेसिस में लेते हैं, मार्क के बेसिस में लेते हैं, जो आपके यूजी में मार्क्स है सो उस बेसिस में लेते तो हैं। अभी अभी इस इस कॉलेज के जो कोर्सेज है कोर्सेज देख लेंगे। सो अच्छे से आपको समझने के लिए चलिए व्हाइट बोर्ड में जाते हैं। सो उधर में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कोर्सेज क्या क्या है, और कोर्सेज के साथ उसके किस किसी किसी के फी या कितना स्ट्रीम है वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। हम लोग कुछ कोर्सेज के बारे में देख लेंगे, जो जो कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट लोग के लिए। सो जो पहला कोर्सेज है वो BA है जो ये कॉलेज ऑफर करते हैं। सो वो कोर्सेज के जो स्ट्रीम है टोटल 11 स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, BA कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है इस कॉलेज से। और जो उसके फीस है वो फीस बहुत ही कम है, जो कि 5840 है पर ईयर। सो एज़ कम्पेयर टू दूसरा कॉलेज ये फी बहुत कम आता है। अगला कोर्स आता है वो है PGDM। सो ये टोटल 2 स्ट्रीम से आप कर सकते हैं PGDM, ये कॉलेज ऑफर करते हैं और इसका मेंशन नहीं किया प्राइस। और थर्ड जो है वो BA ऑनर्स लेके कर सकते हैं आप। और जो ये टोटल 9 स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, ये कॉलेज ऑफर करते हैं। और जो इसकी फ़ी है वो फी 5840 है जो BA का जैसा ही है। अगला जो कोर्सेज है वो MA है जो मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। सो इसके जो टोटल स्ट्रीम है वो टोटल 2 स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, MA कर सकते हैं इस कॉलेज से, और इसका भी फी मेंशन नहीं किया। और अगला जो है वो BSc है, सो अगर आपको BSc करना है तो BSc भी कर सकते हैं आप इस कॉलेज से। और जो ये BSc ऑफर करते हैं वो टोटल 6 स्ट्रीम से ऑफर करते हैं। और जो इसके फ़ी है वो फ़ी 7160 है पर ईयर। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानना है सो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और जो अगला कोर्स है वो BSc ऑनर्स है, सो
सो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। और ये टोटल 5 स्ट्रीम से ऑफर करते हैं स्टूडेंट लोग को, और जो इसके प्राइस है वो ये प्राइस भी बहुत ही कम है। सो वो प्राइस है 7,160 पर एनुअल। और जो अगला कोर्सेज वो एमएससी है। सो एमएससी टोटल ये कॉलेज ऑफर करते हैं स्टूडेंट लोग को, टोटल 3 स्ट्रीम्स है ऑफर करते हैं। सो आप 3 स्ट्रीम में आप कर सकते हैं, 3 में से 1 कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। और जो इसके फी है वो 15,000 पर ईयर है। और जो अगला कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। सो ये डिप्लोमा कोर्स भी थोड़ा बहुत एक दो करवाते हैं। सो इसको 5 स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, मतलब 5 स्ट्रीम से आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और जो अगला है वो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है। सो सर्टिफिकेट अगर आपको करना है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, सो वो भी कर सकते हैं। ये 3 स्ट्रीम से करवाते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। और ये इसके फी जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज के, ये 7,500 है पर ईयर। ये 1 ईयर के कोर्सेज होता है। और जो अगला है वो बीबीए है। सो बीबीए करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं। और जो उसके फी है वो है 30,000 पर ईयर। सो ये भी बहुत कम है। और जो अगला कोर्सेज है और आखिरी कोर्सेज वो BIT है। सो और जो इसके फी है वो 32,000 है पर एनुअल इसके फी। अगर कुछ आपको और डिटेली जानना है सो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, सो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा कमेंट में। और मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको हेल्प करने के लिए जितना हो सके। और अब बात आते हैं हॉस्टल की, सो तो बहुत सारे आदमी लोग भी पूछते हैं कि हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल है तो कैसा है। सो हॉस्टल है, सो हॉस्टल के लिए इस कॉलेज में थोड़ा बहुत कंपटीशन है, जो कि ये हॉस्टल जो एडमिशन होते हैं उस वो भी ये लोग मेरिट बेसिस में लेते हैं। मीन्स अगर किसी को एडमिशन लेना है इसमें, सो वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कैसे मेरिट बेसिस रखेंगे वो लोग। मे बी जिसके परसेंटेज ज़्यादा है उस बेसिस में देते हैं, नहीं तो कुछ और क्राइटेरिया है ये लोग को हॉस्टल देने के लिए। सो सबको हॉस्टल अवेलेबल नहीं देते, सो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो पहले अप्लाई कर दे, क्या पता मिल जाए। सो और जो इसके अगला है एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अप्लाई कैसे करें। सो अगर आप एलिजिबिलिटी है तो अप्लाई कैसे करें, या तो अप्लाई करना है। सो एलिजिबिलिटी जो है वो यूजी कोर्सेज के लिए 10+2 होना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्लास 12 पास आउट है, पास है। और जो पीजी कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, उसके लिए आपको पहले तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सो ये कंपलसरी है। और एमएससी के लिए, जैसे कि एमएससी मतलब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बीएससी में या तो मेजर में या जो भी सब्जेक्ट है, मेजर लिया है या नहीं लिया है। सो आपको हर एक क्या में हर एक सब्जेक्ट में जो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 45% होना पड़ेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।